नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इतिराज और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज मैं बात करने जा रही हूं हरी आंखों वाली अफगान गर्ल के बारे में, जिसे इटली ने पना दी है। जी हां, इटली सरकार ने शरबत नाम की उस हरी आंखों वाली लड़की के बारे में जानकारी दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि फेमस अफगान गर्ल शरबत अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इटली पहुंच गई है। 1994 में अमेरिकी वॉर फोटोग्राफर स्टीव मैककरी ने शरबत की तस्वीर ली थी। ये तस्वीर नेशनल ज्योग्राफिक के कवर पर छापी गई थी और वायरल भी हो गई थी। इतना ही नहीं, ये तस्वीर सालों से चल रहे अफगान युद्ध का प्रतीक भी बन गई थी। अफगान गर्ल को लेकर इटली सरकार ने बताया कि तालिबान के कब्जे के बाद शरबत ने अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मदद मांगी थी, जिसके बाद सरकार ने उनकी मदद भी की थी। इतना ही नहीं, सरकार ने कहा कि हम शरबत का जीवन आसान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शरबत भी उसी कड़ी का हिस्सा है जिनमें हम पहले से ही अफगान लोगों को सुरक्षित निकाल रहे थे। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि 2016 में शरबत पाकिस्तान में रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नकली पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। पाकिस्तान के गिरफ्तार करने के बाद तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने शरबत का अफगानिस्तान में स्वागत किया और उन्हें एक अपार्टमेंट देने का भी वादा किया था। उन्होंने शरबत को पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ अफगानिस्तान में रहने की सलाह दी थी, लेकिन तालिबान के एक बार फिर अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद शरबत के लिए वहां रहना मुश्किल हो गया था। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ। तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए सख्त नियम कायदे बना दिए हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। ऐसे में शरबत ने इटली का रुख किया। इसके बाद इटली ने हरी आंखों वाली अफगान गर्ल शरबत गुला को सुरक्षित आश्रय दिया है। एक बयान में ये भी कहा गया है कि अगस्त महीने में अफगानिस्तान में तालिबानी शासन होने के बाद शरबत ने अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। एक बयान में कहा गया कि उनका इटली में आश्रय अफगान नागरिकों को निकालने और एकीकृत करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा था। अमेरिकी फोटोग्राफर स्टीव मैककरी ने शरबत की तस्वीर तब ली थी जब वो एक युवा बच्ची थी। ये तस्वीर 1985 में खींची गई थी। शरबत की चौंका देने वाली हरी आंखें, एक सिर पर बंधा हेडस्कार्फ और आंखों में भरा दर्द उस वक्त अफगानों के दर्द को बयां कर रही थी, और यही वो तस्वीर थी जिसकी वजह से शरबत की तस्वीर अंतरराष्ट्रीय पहचान बन गई। खास बात ये है कि जब साल 2002 में फोटोग्राफर स्टीव मैककरी वापस अफगानिस्तान पहुंचे थे, तो उन्होंने शरबत को फिर से खोजा था। स्टीव अपने मिशन में कामयाब हुए और एक बार फिर से उनकी तस्वीर चर्चा का विषय बन गई। नेशनल ज्योग्राफिक ने उस वक्त कहा था कि FBI विश्लेषक और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अफगानिस्तान की इस लड़की की पहचान की पुष्टि की थी। शरबत गुला के संघर्ष की बात करें तो अफगानिस्तान पर सोवियत संघ द्वारा आक्रमण के करीब 5 सालों के बाद शरबत उन लाखों अफगानों में से एक थी जो अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान पहुंची थी। शरबत अनाथ हो चुकी थी और पाकिस्तान सरकार ने उसे गिरफ्तार करने के बाद 2019 में अफगानिस्तान भेज दिया था। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।